गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर टू ऑफ इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक। ठीक है, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर वाज द थीफ स्टोरी, जिसमें हमने एक थीफ की स्टोरी के बारे में पढ़ा था कि कैसे वो अनिल को मिलता है रेसलिंग मैच के दौरान, और वहां पर वो उसे अप्रोच करता है, फ्रेंडशिप करता है, फिर उसके घर जाता है और फिर उसको लूटने की कोशिश करता है, लेकिन उसको उसके ट्रस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा सोचता है, उसको बहुत बुरा लगता है कि मैं अनिल का ट्रस्ट नहीं तोड़ सकता, और ट्रस्ट ना तोड़ पाने की वजह से वो वापस से उसके जो मनी है उसको वापस से लौटा देता है। अनिल को ये बात पता चल जाती है कि हरी ने उसके पास से पैसे उठाए हैं, और क्योंकि कैसे पता चलती है, क्योंकि वो द ऑल नोट्स वर वेट, ठीक है, जितनी भी नोट्स थी वो सब गीली हो चुकी थी, इसीलिए अनिल को पता चल चुका था। लेकिन उसने तब उस दोबारा उसको हरी सिंह को कुछ भी नहीं कहा और उसको 50 रुपीज दे दिए, है ना। और क्या कहा कि तुम मेरे घर पे काम करते हो, मैंने तुम्हें अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, सो आई हैव टू पे यू। सो यहाँ से ये जितना भी क्वेश्चंस चैप्टर था ये पूरा एंड हो गया, पूरे पैराग्राफ्स एंड हो गए हैं। नाउ लेट्स सी, क्वेश्चंस भी हमने कर ही दिए थे, ठीक है। लास्ट के जो कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे हाउ डज, ये वाला भी हमने किया था कि अनिल कैसे रिएक्ट करेगा। थीफ को क्या लगा था कि अनिल कैसे रिएक्ट करेगा, उसको लगा था कि अनिल सैड हो जाएगा, है ना। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड, अनिल को पता चल गया था क्योंकि जो नोट थे वो वेट थे। सो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब आते हैं बच्चों इंग्लिश लिटरेचर पर, ठीक है। So first chapter, we have completed the first chapter and now let's see the chapter number two. A letter of God हमने पढ़ लिया था, अब आते हैं chapter number two पर। And students, we have read these poems also, Dust of Snow and Fire and Ice. So Dust of Snow हमने बताया था कि ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, एंड इसमें क्या रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बता रहे हैं, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। सो द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, जिस तरह से क्रो ने मेरे ऊपर ये जो बर्फ है, क्या द डस्ट ऑफ स्नो, उसने क्रो ने शूक डाउन मतलब मेरे ऊपर गिराया है, नीचे गिराया है, क्या द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो को गिराया है फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहाँ से, एक हेमलॉक ट्री के ऊपर से ये डस्ट जो उसने गिराया है, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उसने मेरे हार्ट में जो मेरा मूड था उसको चेंज कर दिया, एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड, और जो मैं अपना दिन बिता दे रहा था निराशा में और अपना मूड खराब करके रखा था, उस चीज को इसने, इस क्रो ने बचा लिया और अब मैं, मेरा मूड जो है मैंने ठीक कर लिया। सो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डस्ट ऑफ स्नो को एक तरह से क्रो के द्वारा जो फेंका गया डस्ट ऑफ स्नो है उसको नई होप से कंपेयर किया है ना, उसको ऑप्टिमिज्म से कंपेयर किया है कि किस तरह से हम अपनी लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं, आशावादी रह सकते हैं, हम कितना भी हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आए, कितना भी हम स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन फिर भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम अपना मूड अच्छा रखेंगे, पॉजिटिविटी बनाए रखेंगे, तो हमारी लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं होगा।
और बुरा अच्छा तो बच्चों होता ही रहता है, लेकिन उसका हमें डट कर सामना करना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि बताओ मेरे साथ इतना गलत हो रहा है, मैं बिल्कुल भी लकी नहीं हूँ, मैं तो बड़ा अनलकी, ये सब कभी नहीं सोचना चाहिए। बल्कि जो भी चीजें बुरी हो रही हैं, अगर प्रेजेंट टाइम में भी कुछ भी किसी के साथ गलत हो रहा है या उसको उसके मन का नहीं हो रहा है, तो उसको एज एन एक्सपीरियंस लेना चाहिए, है ना। आप उसको एज एन एक्सपीरियंस लीजिए कि ये एक तरह का एक्सपीरियंस है, ये जो भी चीज मेरे साथ अभी हो रही है ये मुझे एक्सपीरियंस करना है, ये मुझे इसको एक्सपीरियंस करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट टाइम जब अच्छा होगा, मेरे मन के हिसाब से होगा, उसको भी मैं एक्सपीरियंस करूंगा। सो ये था आपका डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट आपकी पोयम है बच्चों फायर एंड आइस। और फायर एंड आइस क्या है, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। इसमें क्या है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इट इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर को डिजायर से और आइस को हेट्रेड से कंपेयर किया है। सो फायर और आइस एक तरह से डिजायर और हेट्रेड है, और जब भी डिजायर अगर ज्यादा हो गया है तो भी, और अगर हेट्रेड ज्यादा हो गया है तो भी, ये ह्यूमन बीइंग के लिए, ये लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। किसी के भी अंदर अगर बहुत ज्यादा डिजायर आ गया है तो वो दूसरे से हमेशा नफरत ही करेगा। डिजायर कभी भी खत्म नहीं होता है और डिजायर का कोई भी अंत नहीं होता है। मतलब अगर आप कुछ एक चीज अचीव कर लोगे उसके बाद आपको दूसरे का डिजायर आएगा, फिर कुछ अचीव करोगे तो तीसरे का डिजायर आएगा। तो डिजायर जो है कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। इसीलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम के जरिए बताया है कि फायर और आइस दोनों मिलकर वर्ल्ड को एंड कर सकते हैं, वर्ल्ड का एंड कर सकते हैं। इसीलिए ये दोनों ही चीजें डेंजरस है, फायर भी और आइस भी। अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, बहुत ज्यादा हमारे आसपास गर्म हो जाएगा, तब भी हम नहीं रह सकते। और अगर बहुत ज्यादा आइस हो जाएगी, बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाएगी, फिर भी हमारा रहना मुश्किल ही हो जाए, ठीक है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर, और द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। अब देखो नेल्सन मंडेला के बारे में एक ब्रीफ थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं शॉर्ट में, कि मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। और जो नेल्सन मंडेला है ये साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत प्रेसिडेंट बने थे, राष्ट्रपति बने थे। मतलब उस टाइम, वो टाइम ऐसा था जब से व्हाइट लोग जो होते थे, जो गोरे लोग होते थे, वही प्रेसिडेंट बनते थे। लेकिन नेल्सन मंडेला फर्स्ट ऐसे इंसान थे जो कि ब्लैक थे और प्रेसिडेंट भी बने। थोड़ा सा इसको देखते हैं क्या है। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ व्हाइट रूल। मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ व्हाइट रूल मतलब गोरे लोगों की 3 सेंचुरी से भी ज्यादा राज करने के बाद, रूल करने के बाद नेल्सन मंडेला फर्स्ट ऐसे व्यक्ति थे जो ब्लैक थे और प्रेसिडेंट बने। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। मतलब 400 में से 252 सीट्स पर नेल्सन मंडेला को विक्ट्री मिली थी। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टू प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। सो आज टुडे मतलब जो आज प्रिटोरिया में है, वहीं पर इनका जो इनॉग्रेशन सेरेमनी था ये हुआ था, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 100
140 सेंचुरीज अराउंड द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, और बहुत सारे लोग आए थे, मतलब बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए थे जो कि 140 कंट्रीज के आसपास से आए थे. नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड अराउंड द लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस. और नेल्सन मंडेला जब अपनी स्पीच दे रहे थे तब उन्होंने बताया कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस जो है, इतना अच्छा जो यहाँ पर चीज हो रही है, ये इसके पहले सेंचुरी में कभी भी नहीं हुई. जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, व्हाइट्स एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर. मोर देन 1 lakh साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस. ऑल रेसेस मीन्स यहाँ पर है कि हर कलर के, sang and danced with joy, नाच रहे थे और गा रहे थे खुशी खुशी. सो ये चीजें थी जो उस समय हो रही थी, ये उस समय का जो चीजें चल रही थी वो था. अब आते ही चैप्टर पर. सो सबसे पहले सी दी वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर. सबसे पहली जो वर्ड मीनिंग है वो है टू बी, बिसाइड बाय. By to be surrounded closely by, मतलब पूरी तरह से घिरे रहना. Surrounded मतलब घिरे रहना, पास से करीब से लोग घेरे रहते. So next word is amphitheater. A building without a roof. And the meaning of amphitheater is a building without a roof. ऐसे building, मतलब building तो है लेकिन roof नहीं है, छत नहीं है. With many rows of seats rising in steps, with many rows of seats rising in steps. ठीक है. Typical of ancient Greeks and Rome. So, the meaning of amphitheater is a building without a roof. ऐसे building जिसमें छत नहीं है और बहुत सारी seats हैं. With many rows of seats. Rows हैं, लाइनें हैं seats की, और वो कैसी हैं? Rising in steps. ऊपर नीचे, ठीक है? Steps में ही. जो rows हैं सीट्स की वो स्टेप्स में है, ऊपर नीचे. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस पैराग्राफ. द फर्स्ट पैराग्राफ इज 10th मे, डॉन ब्राइट एंड क्लियर. 10th मे है, एकदम क्लियर है मौसम, एकदम सब कुछ ब्राइट है. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्रेजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन.
सो यहाँ पर आई कौन है? मिस्टर नेल्सन मंडेला. सो वो क्या कह रहे हैं कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज, अभी बीते हुए कि कुछ दिनों तक, आई हैड बीन प्रेजेंटली बिसीज्ड बाय, मैं बहुत खुश खुश महसूस कर रहा हूँ कि मैं बहुत सारे डिग्नेटरीज के बीच में घिरा हुआ हूँ. एंड वर्ल्ड लीडर्स, और जो दुनिया भर से लीडर्स हैं, नेता लोग हैं, उन सब के बीच मैं बिल्कुल घिरा हुआ हूँ. हु आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, जो कि बहुत ही आदर सम्मान के साथ आए हैं. किस लिए आए हैं? बिफोर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन के शपथ ग्रहण समारोह जो है उसके पहले आए हैं. द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉयल. और ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है, ये जो शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, इसमें पहली बार, मतलब हिस्ट्री में पहली बार, साउथ अफ्रीका की धरती पर, साउथ अफ्रीकन सॉयल मतलब साउथ अफ्रीका की धरती पर पहली बार इतना ज्यादा इंटरनेशनली लोग इकट्ठा हो रहे हैं. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर. अब एक सैंडस्टोन का बना हुआ एक बिल्डिंग है जिसको एम्फी थिएटर बोला गया है. और वो बिल्डिंग कैसी है? विदाउट रूफ, सिर्फ उसमें कई सारी लाइंस है सीट की, और जो कि स्टेप बाय स्टेप लगी हुई है. फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, यूनियन बिल्डिंग है प्रिटोरिया की. फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. बहुत सालों तक, दशकों तक, डेकेड्स तक ये सिर्फ किसकी थी सीट? सिर्फ गोरे लोगों की थी, है ना? व्हाइट सुप्रीमेसी, गोरे लोगों का जो शासन था उनके लिए ही ये सिर्फ सीट रहा करती थी. लेकिन एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. लेकिन आज का नजारा कैसा है? आज ऐसा लग रहा है कि रेनबो बना हुआ है. मतलब रेनबो में जैसे 7 तरीके के कलर्स होते हैं, कई तरीके के रंग होते हैं, वैसे ही आज सिर्फ व्हाइट जो लोग हैं वो नहीं है, वो रूल नहीं कर रहे हैं यहाँ पर. यहाँ पर हर कलर के, हर रेस के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि अफ्रीकाज, हाँ, डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक, साउथ अफ्रीका का पहला डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब जनता का शासन, लोकतंत्र, नॉन रेशियल गवर्नमेंट. और नॉन रेशियल मतलब जो बिना रंग भेद, नॉन रेशियल मतलब रंग भेद, बिना रंग भेद वाली जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर पहली बार साउथ अफ्रीका में आई है. ऑन दैट लवली ऑटम डे, स्प्रिंग का बड़ा ही सुंदर सा दिन है, बहुत ही लवली सा डे है. आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी. मेरा मेरे साथ कौन है? मेरा जोड़ीदार कौन है? मेरी डॉटर जिनानी. अकम्पनीड मतलब साथी, जिसका नाम क्या है? जिनानी. ऑन द पोडियम मिस्टर क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉन इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेजिडेंट. और पोडियम पर कौन है? जहां पर पोडियम पर लोग बोलते हैं खड़े होकर, उस पर कौन है? मिस्टर डी क्लर्क, जो कि फर्स्ट स्वॉन इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेजिडेंट, सेकेंड डिप्यूटी प्रेजिडेंट के रूप में उन्होंने पहला बोला है. देन थाबो, थाबो एम्बिकी वॉज स्वॉन इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट. पहले तो सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट मिस्टर डी क्लर्क ने पोडियम पर बोला, उसके बाद थाबो एम्बिकी वॉज स्वॉन इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट. फिर उसके बाद थाबो एम्बिकी जो थे उन्होंने फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिया. When it was my turn, जब मेरे स्वान की यानी कि मेरे शपथ लेने की बारी आई,
I pledge to obey and uphold. So I pledge to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. और जब मेरी शपथ लेने की बारी आई, I pledge to obey. मैंने क्या शपथ ली कि मैं obey करूंगा and uphold the Constitution, जो संविधान है, उसको मैं हमेशा आगे रखूंगा. And to devote myself to well-being of the Republic and its people. और अपने आप को समर्पित कर दूंगा, अपने आप को दूंगा किसके लिए? Well-being of Republic, जनता की भलाई के लिए. Well-being मतलब जनता की भलाई के लिए और पूरे लोगों के लिए मैं अपने आप को डिवोट कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा. टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड. और अब इनकी स्पीच है, पूरे लोगों को देखकर, पूरे लोगों के सामने जो लोगों को देख रहे हैं उनके लिए मैंने कहा. आई सेड मतलब अब वो अपने बारे में बता रहे, उन्होंने जो स्पीच दी थी वो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस पैराग्राफ. सो द फर्स्ट वर्ड इज कन्फर. ठीक है, हियर द मीनिंग ऑफ कन्फर इज अ फॉर्मल वर्ड. अ फॉर्मल वर्ड. अ फॉर्मल वर्ड कैसे होता है? जब फॉर्मली किसी को कुछ बोला जाता है, मतलब कई सारे लोगों के लिए फॉर्मली कुछ बोला जाता है, जिसका मतलब यहाँ पर है हियर या गिव. नेक्स्ट वर्ड इज वी हु वर आउटलॉज. वी Who were outlaws, and the meaning of "we who were outlaws" is because of its policy of apartheid. Because of its policy. Because of its policy of apartheid. Many countries had earlier broken off. Broken off. Diplomatic relations with South Africa. Relations with South Africa. So here the meaning of we who were outlaws का मतलब है कि many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa. मतलब यहाँ का इतना ज्यादा रूल जो था वो खराब हो चुका था कि बहुत सारी कंट्रीज ने साउथ अफ्रीका से डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो थे, मतलब जो न्यायिक रिलेशंस थे, जो दूसरी कंट्री के हिसाब से रिलेशंस थे, वो सब ब्रेक ऑफ कर दिए थे, तोड़ दिए थे. Now see the next word.
यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। मैम क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी मैम, बहुत देर से फोन कर रहा था। आप बहुत लेट हो गए हो। अच्छा आपने कॉल किया था क्या? हाँ मैम किया था कि मैम पासवर्ड बता दीजिए, ज्वाइन नहीं हो रही थी, बार-बार रिकनेक्ट हो जा रहा था। अच्छा अच्छा, तो हम क्लास ले रहे हैं ना इस समय, कोई बात नहीं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? यस मैम। हाँ अभी हमने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो पढ़ा है और लास्ट वाला जो चैप्टर था उसको रिवाइज किया था। लास्ट चैप्टर याद है कि नहीं, कौन सा था बताइए? मैम अली लाल हरी स्टोरी, चैप्टर का नाम बताओ बेटा, द थीफ स्टोरी है ना? यस मैम। सेकंड चैप्टर था द थीफ, क्या स्टोरी थी उसकी बताइए मैम? हाँ जो हरी था, हाँ वो मैम थीफ था, ठीक है, और वो आया था अनिल को ठगने, और अनिल को जब उसने एक मैच में देखा रेसलिंग दौरान, तो उसने कहा कि तुम्हारी बॉडी एकदम रस्टर जैसी है, तो फिर वो उसको लगा कि बहुत रिच है, वो उसने कहा बहुत रिच है, पर उस जब वो कहा कि मुझे तुमको काम दे सकते हो, तो उसने कहा मैं तुमको काम तो दे सकता हूँ पर उसके पैसे नहीं दे सकता, तो वो उसके घर रहने लगा और उसका खाना पीना जो था वो करता था, सुबह उठता था, चाय बनाता था, फिर सामान ले जाता था, उसमें से एक रुपया का प्रॉफिट करता था। हरि ने पूछा कि तुम मुझे खाना खिला सकते हो, तो अनिल ने क्या जवाब दिया था? हाँ मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ पर उसके बदले मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा है ना, इसे तो पैसे के बदले उसने खाना खिलाने के लिए कहा। और रेसलिंग मैच के दौरान हरि ने अनिल से क्यों बात की? क्योंकि वो उसको अप्रोच करना चाहता था है ना, उसको अपनी झूठी दोस्ती में फंसाना चाहता था, किस लिए, क्या पर्पस था हरि का? मैम क्योंकि ये सब ठग ले तो उसका जितना भी रॉबर्ट कर दिया उसको फंसा। हाँ फिर जब वो उसके साथ रहने लगा तब क्या हुआ? उसको उसने कहा, वो उसको धीरे धीरे पढ़ाने लगा, उसको वर्ड समझ में आने लगे, फिर उसने कहा कि अगर मैं धीरे धीरे पढ़ता रहा तो बहुत बड़ा थी, बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी रॉबरी में। मैम फिर जब वो ये सोचने लगा कि उसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो उसने उसको ठगने की कोशिश की, उसने कहा सोचा कि ये अपने दोस्तों के साथ पैसा उड़ा देगा, इससे अच्छा मैं इसको ठग ले रहा हूँ, रॉब कर ले रहा हूँ। हाँ। तो काफी सारे नोट्स लेकर आया था अनिल अपने घर पे, जो कि उसने कहाँ रख दिए थे अपने, बताइए रूम में कहाँ रखा था पैसों को? जो बंडल ऑफ नोट था वो उसने अपने मैट्रेस के नीचे, बिस्तर के नीचे जहाँ वो सोता था, रखा था, यस मैम, वहां पर रख लिया था। और हरि ने क्या किया, देख लिया और वो चाहता था कि वो उसको चुरा ले, और उसने धीरे से हाथ सरका कर उसको निकाल भी लिए ना नोट को, और वो भाग गया। भागा जब तो वो स्टेशन की तरफ पहुंचा, और स्टेशन की तरफ फिर वो उसके मन में कुछ और ख्याल आने लगे, उसको अनिल की याद आने लगी, और उसको ये लगा कि उसने सोचा कि अनिल क्या सोचेगा जब उसको पता चलेगा कि मैंने पैसे चुरा लिए हैं, तो उसने क्या सोचा था, अनिल क्या करेगा जानकर? मैम उसे बहुत सैड हुआ, वो अनिल को बहुत दुख हुआ, गुड, उसको लगा कि अनिल बहुत सैड हो जाएगा, इसलिए सैड नहीं होगा कि उसके पैसे चोरी हो गए, बल्कि इसलिए सैड हो जाएगा कि हरि ने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया है। फिर ये सब सोचता रहता है वो, और ट्रेन आती है, चलने लगती, ट्रेन स्पीड पकड़ लेती है, वो ट्रेन पर नहीं चढ़ता है, वो ट्रेन को मिस कर देता है। फिर वो बाहर जाता है, काफी बारिश होती रहती है, वो एक पार्क में बैठता है, वहां पर बैठकर सोचता रहता है, उसको ठंड भी लगती है, किसी तरह से हिम्मत करके वो वापस से अनिल के घर जाता है। फिर क्या होता है? फिर मैम अनिल उसको देख के एकदम अच्छी वाली स्माइल देता है, और फिर उसे अपने घर में ले आता है। हाँ तो जब अनिल सुबह उठता है, वो रात में जाता है, रात में अनिल सो रहा होता है, फिर सुबह उठता है तो अनिल उसको 50 रुपीज की नोट देता है और क्या कहता है कि मैंने अभी तक तुम्हें पे नहीं किया है, ये तुम्हारे पैसे हैं और आई विल पे यू रेगुलरली, अब मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूंगा। और ये सोचकर, ये सुनकर हरि सिंह का एकदम दिल भर आता है, और वो फिर एकदम स्माइल देकर खुश जाता है, और ये सोचता है कि अब वो कभी भी उसको रॉब नहीं करेगा। सो ये बताइए, अनिल को पता चला था कि उसके पैसे चोरी हुए थे? हाँ मैम। कैसे पता चला था? क्योंकि मैम उसने निकालते हुए देख लिया था।
नहीं बेटा, वो जो नोट थे वो वेट थे, गीले थे बारिश की वजह से। सुबह भी वो नोट गीले ही थे और अनिल को ये बात पता चल गई, लेकिन अनिल ने हरी को कुछ नहीं कहा, उसको पुलिस के हवाले नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो चाहता था, उसको लगा कि अनिल हरी ने वापस पैसे किए हैं तो उसके अंदर कुछ बदलाव आया है, और अनिल नहीं चाहता था कि हरी का ये बदलाव चला जाए, इसलिए उसने हरी को माफ कर दिया और उसकी इस गलती को भुला दिया। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर था। अभी इस चैप्टर में हम लोग नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ रहे हैं, वो जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। 300 सालों से भी ज्यादा तक अंग्रेजों ने, जो व्हाइट लोग थे, उन्होंने राज किया था साउथ अफ्रीका पर, और उसके बाद नेल्सन मंडेला अब जाकर बिना, जो व्हाइट नहीं थे ब्लैक थे, उनकी बारी आई थी प्रेसिडेंट बनने की। सो उनकी स्पीच के बारे में और उस समय क्या चल रहा था उसके बारे में वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? यस मैम। चलो, थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास अभी हिंदी वाली है, ठीक है? यस मैम, थैंक यू मैम। हाँ, चलो बाय।